स्पेशल फोर्सेस के जवान हर तरह के हथियार से लैस होकर कमरे में दाखिल होते हैं। एक से बढ़कर एक हथियार दिन के उजाले या रात के अंधेरे में काम करने लगे। जवानों के अभ्यास के लिए वैसे ही घर, दरवाजे और अंधेरी नुमा माहौल को पैदा किया गया, ताकि जब रियल में ऑपरेशन करने का मौका मिले तो कहीं से कोई चूक ना हो। पूरे 11 लाख के आर्मी के अंडर गिने चुने प्लस वॉलंटियर खुद अपने मन मर्जी से आकर ये कष्ट और एक्स्ट्रा बोझ उठाने के लिए आए हुए हैं। तो पहले आर्मी, उसके ऊपर स्पेशल फोर्सेस। हम भर आ रहे हैं और मूव आउट। अपनों का होता है आमतौर पर चार गरुड़ एक छोटा दस्ता बनाते हैं जो ट्रैक कहलाता है। ऐसे ही तीन ट्रैक थे क्वाड और तीन स्क्वाड मिलकर फ्लाइट बनाते हैं। ट्रैक का नंबर वन दुश्मन पर पहला हमला बोलता है, जबकि कमान नंबर टू के हाथों होती है। नंबर थ्री टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाता है, जबकि आखिरी गरुड़ भारी हथियारों से तबाही मचाता है। यानी जंगल में जब ऑपरेशन करने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवान दाखिल होते हैं तो आतंकी या दुश्मन कहीं से भी निकलकर फायर कर देते हैं। ऐसे में कमांडोज के पास एक या दो सेकंड का वक्त होता है जवाबी कार्रवाई करने का। चूक गए तो जान जाने का तो खतरा होता ही है, ऊपर से आतंकियों को शुरुआती फायदा मिल जाए तो कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। कमांडोज के हिसाब से इसे आप फायर एंड मूव कह सकते हैं, यानी फायर करते हुए आगे बढ़ना। उस हालात में जब आप दुश्मन से संपर्क साध चुके हैं, मानव सीमा के अंदर जो भी काम हो सकता है वो कर सकते हैं। ऐसे हालात में सावधानी से फायर भी करना है और आगे भी बढ़ना है, वो भी मात्र छह लोगों की स्क्वाड वाली टीम। अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई नहीं हो तो हमें उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। अगर जिस दिन हम ये सोच के बैठ गए कि अभी लड़ाई नहीं होनी तो फिर लड़ाई जरूर होगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये सब एकदम बिल्कुल रियल प्रैक्टिस आप लोग करते हैं कि ताकि कल के तारीख में अगर लड़ाई के मैदान में या कभी टेररिस्ट के खिलाफ इस तरह जरूरत पड़े तो आप मतलब कर सके कुछ? हाँ, कोई भी सिचुएशन आ सकते हैं तो उसको निपटने के लिए हर तरीके के ट्रेनिंग देकर और उसी प्रकार से हम मान के चलते कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उसी तरह के अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन भी पोजीशन बदली कर सकता है, पहले फायर खोल दिया और दोबारा से 10-12 मीटर लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, तो हम उसको मान के चले और दूसरे साइड से फायर खोल सकते हैं। तो उसको कैसे कांटेक्ट करते हैं लोग? उसके लिए पहले सपोर्ट ओपन लगा दिया एक साइड फ्लैंक में और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के क्लोज करेगा तो फायर का जो इफेक्ट है ब्लास्ट है आवाज है उससे पता कर देते कि लोकेशन कहाँ पर है। रणनीति के तहत एक आगे फायर करते हुए बढ़ता है तो दूसरा उसे कवर फायर देता है। फायर इतना कि दुश्मन सिर उठाकर फायर भी न कर पाए। अंत में नजदीक पहुंच जाने पर पिस्टल से फायर कर दुश्मन को बर्बाद कर दिया जाता है। एकदम अचूक निशाना और पलक झपकते दुश्मन ढेर, रिफ्लेक्स फायर कहते हैं,
यानी देखते ही हमला करना। ये बेसिकली हम मिलिट्री ऑपरेशन इन अर्बन टेरिटरी की एक ये ड्रिल है।